बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने बिहार और बिहारियों को लेकर दिया है, ये बेहद शर्मनाक है। ममता बनर्जी कहती है कि नंदीग्राम में जो भी उनके हमले हुए वो बिहार से गुंडों ने आकर किया है। तो ममता दीदी, बिहार गुंडों की भूमि नहीं, बिहार ज्ञानियों की भूमि है, बिहार स्वतंत्रता सेनानियों की भूमि है, बिहार तप और त्याग की भूमि है। इस बिहार ने महावीर दिया, इस बिहार में आकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को प्रेम और शांति का पाठ दिया। आप कहती हो कि ये गुंडों की भूमि है, यह भूमि लोकनायक की भूमि है, यह भूमि जननायक की भूमि है, यह राजेंद्र बाबू की गौरव गाथा की भूमि है। और आपने इस तरह का बयान देकर बिहार और बिहारियों का अपमान किया है। मैं एक बिहार का रहने वाला होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, इस पश्चिम बंगाल में रह रहे एक बिहारी से आग्रह करता हूँ कि मेरे भाइयों, यह हम बिहारियों की अस्मिता का सवाल है। जो मुख्यमंत्री हम बिहारियों को गुंडा कहने का काम कर रही है, हम ज्ञान की भूमि से आते हैं और हमारा इस तरह का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बिहारियों को एक होकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। और मैं एक एक बिहारी जो बंगाल में रहता हूँ उससे अनुरोध करूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर और अपने बिहारियों के गौरव को वापस से हासिल करें, जिसको ममता बनर्जी जी ने अपने स्टेटमेंट से धूमिल करने का काम किया है। जब हम ईवीएम में बटन कमल पर दबाएंगे तब ममता को समझ में आएगा कि बिहारियों को गुंडा कहना कितना गलत काम था, और इस तरह से ममता को एक सबक सिखाने का काम हम बिहार के लोग अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय बिहार।